नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्टाइल ऑप्शन के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने पैराग्राफ को कवर किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम कवर करेंगे स्टाइल को। तो स्टाइल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पैराग्राफ इंसर्ट करेंगे। पैराग्राफ के लिए हम इज इक्वल टू RANDरैंड टाइप करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और प्रेस करेंगे एंटर। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे पैराग्राफ्स यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ से आप चाहें तो बहुत सारे आपको स्टाइल्स दिए गए हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक पैराग्राफ को यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद स्टाइल पर क्लिक किया और यहाँ पर आप देखेंगे आपको बहुत सारी हेडिंग्स मिलेंगी, सब हेडिंग्स मिलेंगी। इसमें से आप कोई भी हेडिंग चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये वाली हेडिंग सिलेक्ट कर ली है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपनी खुद की भी हेडिंग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है क्रिएट स्टाइल पर। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे स्टाइल का नाम मांगेगा, यानी जैसे यहाँ पर आप बहुत सारे स्टाइल्स के नाम दिए गए हैं तो यहाँ पर आप अपना स्टाइल का नाम दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर दे दिया डेमो। डेमो नाम देने के बाद यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है ड्रॉप डाउन के ऊपर और यहाँ पर आप देखेंगे डेमो नाम से हमारे सामने एक फॉर्मेट यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा मॉडिफाई का। इस मॉडिफाई ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ सेटिंग्स इस तरीके से ओपन हो जाएगी और इसके बाद आप चाहें तो अपने हिसाब से आप कोई भी फॉर्मेटिंग इसमें क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से आप इसके स्टाइल को हेडिंग में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ से आप इसे हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो इसके फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल्स हैं, यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आप चाहें तो इसके साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर साइज़ सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने ये कलर इसको दे दिया। और यहाँ से आप चाहें तो आप इसके अलाइनमेंट को भी एडजस्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। मान लीजिए हम यहाँ से ले लेते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई जैसे हम लेंगे तो आप देखेंगे हमारा जो मैटर था यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। क्रिएट होने के बाद जैसे आप यहाँ पर ओके बटन प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो मैटर था यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, यानी आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो हेडिंग थी वो यहाँ पर डेमो नाम से यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। और अब आप इस डेमो नाम की हेडिंग को किसी भी पैराग्राफ पर ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर क्लिक करके सीधे डेमो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे जो हमने यहाँ पर स्टाइल बनाया था वो स्टाइल यहाँ पर सेव हो चुका है। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे सेकंड ऑप्शन है हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग का। मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग हमने की है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, तो इसके लिए इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको नज़र आएगा क्लियर फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन। जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा मैटर जैसा था वैसा ही ये नॉर्मल फिर से हो गया। जो भी हमने इसके अंदर हेडिंग लगाई थी या जो भी हमने फॉर्मेटिंग की थी वो सारी की सारी फॉर्मेटिंग यहाँ से रिमूव हो चुकी है। इसके बाद आप देखेंगे इसके नीचे का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अप्लाई स्टाइल का। तो अप्लाई स्टाइल कैसे यूज़ होता है, मान लीजिए हम यहाँ से एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है अप्लाई स्टाइल पर। अप्लाई स्टाइल पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे स्टाइल नेम दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके यहाँ पर बहुत सारे आपको स्टाइल दिखाई देंगे। जैसे हमने डेमो जो क्रिएट किया था वो भी यहाँ पर आ गया। तो जितनी भी हेडिंग्स इसके अंदर हैं वो सारी की सारी हेडिंग्स यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही हैं। उन सभी हेडिंग को आप इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या अपने हिसाब से आप कोई हेडिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर इस हेडिंग 2 को सिलेक्ट कर लिया। हेडिंग 2 को जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर भी हमारा वो हेडिंग 2 सिलेक्ट हो गया और यहाँ पर हमारा जो मैटर था वो हेडिंग 2 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली किसी भी स्टाइल को किसी भी पैराग्राफ के ऊपर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा स्टाइल ऑप्शन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।